Hi guys, welcome back to another video of Economics on your Tips. आज अपन बात करने वाले हैं रूरल डेवलपमेंट की, रूरल डेवलपमेंट का चैप्टर क्या है, कैसे है और उसमें क्या क्या पढ़ना जरूरी है. सो गाइज, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपसे दो मिनट बात करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारा अब तक कम्यून ऐप कॉमर्स कम्युनिटी डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले अभी इसको जाके डाउनलोड करो, क्योंकि इस कॉमर्स कम्युनिटी के ऊपर आपके सारे डाउट्स को इजिली क्लियर किया जाता है, वो भी आप ही लोगों के द्वारा. एक और चीज गाइज, इस कम्युनिटी के बारे में आपको समझानी है. तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये हमारा कम्यून है, कॉमर्स कम्युनिटी है, ये कंप्लीटली एजुकेशन बेस्ड एप्लीकेशन है. यानी कि यहां पे हम सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं. तो कोई भी किसी भी, स्ट्रिक्टली ये गाइस मैं बोल रहा हूं आप सभी को ध्यान रखना, जिन भी लोगों ने अब तक ये एप्लीकेशन डाउनलोड किया है वो सब इस एप्लीकेशन के फायदे ले रहे हैं, यानी कि सब अपने अपने डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं. आप अगर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आपका काम भी बस इतना है कि आप अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए, साथ साथ अगर ऐसे कोई डाउट्स किसी और के हैं जो कि आप क्लियर कर सकते हैं तो उनको क्लियर कीजिए और सभी की मदद कीजिए. साथ साथ गाइस एक चीज इसमें याद रखने की ये है कि एप्लीकेशन किसी भी तरीके की किसी और चीज के लिए नहीं है. यानी कि पिछले कुछ दिनों में या दो दिन पहले मुझे एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है कि कोई एक बच्चा है, अब छोटा क्या है कि हम एक ऐसी एज में है तब हम ये सोचते हैं कि हम राजा हैं, ठीक है. तो कोई एक लड़का था जिसने एक ऐसा एक कमेंट पास ऑन किया है किसी एक बच्चे के ऊपर, हमने उसकी आईडी जो है डिलीट कर दी गई है. बट ये कोई सॉल्यूशन नहीं होगा कि मैं आपकी आईडी डिलीट कर दूं, ये आप ही की जिम्मेदारी है कि इस कम्युनिटी को आप साफ और सही रखेंगे, ठीक है. गाइज मेरा काम है आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना, मैं आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा चुका हूं जिसके थ्रू अपने सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं. तो ये आपका काम है कि उस कम्युनिटी को साफ सुथरा रखना, और साथ ही मैं वो कम्युनिटी आपके डाउट क्लियरेंस के लिए है तो उसको डाउट क्लियरेंस के साथ में रखना. आप लोगों ने पिछले कुछ मैं कॉमर्स कम्युनिटी पे बहुत सारे दोस्त बनाए हैं, बहुत सारे डाउट्स को क्लियर किए हैं, पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो कि ऐसा कुछ काम करता है तो वो चीज सही नहीं होती है. बहुत ही जल्दी इसमें मैं अगला जो आपका अपडेट आने वाला है कम्यून में, उसमें एक ब्लॉक का ऑप्शन डालूंगा. यानी कि अगर आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसने कुछ ऐसा कमेंट पास ऑन किया है किसी के भी ऊपर, या जो इस कम्युनिटी का गलत इस्तेमाल कर रहा है, आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं. और किसी भी यूजर पे अगर मुझे 4 से ज्यादा ब्लॉक मिलते हैं तो वो यूजर परमानेंटली ऑफ हो जाएगा. और अगर उसे वापस उस पर्टिकुलर फोन से या उस पर्टिकुलर आईडी से, उस पर्टिकुलर नंबर के भी, तीनों चीजें एक साथ होंगी, अगर वापस उसको अपनी आईडी रीओपन करानी है तो वो डायरेक्ट हमारे थ्रू होगी, पर्सनल हेल्प पर ये काम नहीं कर पाएगा. सो गाइस, दिस इज जस्ट अ वार्निंग, दिस इज एक्चुअली अ वार्निंग कि हम, मैंने आपको कम्युनिटी प्रोवाइड करा है, इसका फायदा लो यार, इसको गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें, ठीक है. क्योंकि इस कम्युनिटी में बहुत कुछ होने वाला है, आप सभी यहां आने वालों हो, ये एक सोशल प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है. तो इस सोशल प्लेटफॉर्म को एक हेल्दी प्लेटफॉर्म आप क्रिएट करें. आप इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ, इन सबको ऑपरेट करते हैं और इन सबसे बहुत सारे फायदे लेते हैं और अपने व्यूज को शेयर करते हैं. दिस कम्युनिटी एक्चुअली बिलोंग्स कि आप अपने व्यूज को शेयर कीजिए. तो यहां पर अपने व्यूज को शेयर कीजिए, किसी और की के साथ गलत व्यवहार या किसी और के साथ गलत तरीके की बातें ना करें, ठीक है. सो गाइस, ये एक छोटी सी वार्निंग है, बस ध्यान रखना, दिस इज एक्चुअली अ वार्निंग, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि आप कम्युनिटी में आ रहे हैं, कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि सबके सामने नहीं करनी चाहिए या जो कि गलत है, ठीक है. सो गाइस, चलिए इस चीज का ध्यान रखें. अब हम स्टार्ट करते हैं अपना रूरल डेवलपमेंट. सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस देखो, आज अपन पढ़ने वाले हैं रूरल डेवलपमेंट. कि यार रूरल डेवलपमेंट होता क्या है? रूरल डेवलपमेंट का मतलब होता है गांव का विकास, यानी कि हम गांव का विकास कर रहे हैं. अब यहां समझना, यार गांव का विकास जो एक टर्म है ना, ये कोई छोटी टर्म नहीं है, एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, यानी कि कई सारे एस्पेक्ट को कवर करती है. तो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन पहले आप लोगों से बात करूंगा. इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म विच एसेंशियली फोकस ऑन एक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एरिया. एक ऐसी टर्म है जो कि फोकस करती है किस पे, एक्शन, काम करना है कहां पे, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एरिया, एरिया का डेवलपमेंट करो, विच इज लैकिंग बिहाइंड, जो कि पीछे है किसमें, इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ रूरल इकोनॉमी. यानी गांव के विकास में जो एरिया पीछे रह जाता है उसका पूर्णतः डेवलपमेंट करना, विकास करना, उसको हम कहते हैं रूरल डेवलपमेंट. यहां रूरल डेवलपमेंट का मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट से है. यहां जब मैं बात कर रहा हूं ना ओवरऑल डेवलपमेंट,
डेवलपमेंट. सो दैट टर्म ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आप कंप्लीटली डेवलप कर रहे हो ह्यूमन रिसोर्सेज को, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, एजुकेशन फैसिलिटीज को, मेडिकल फैसिलिटीज को, यहां सब चीजों का डेवलपमेंट आ जाता है. यहां किसी एक पर्टिकुलर चीज की बात नहीं कर रहे कि सिर्फ लोगों का विकास करना, एम्प्लॉयमेंट देना है. हम यहां इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात कर रहे हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन की भी बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स की भी बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, कंप्लीट पूर्ण विकास करना, उसको हम बोलते हैं रूरल डेवलपमेंट, गांव का पूर्ण विकास करना. अब जब भी देखो हम विकास की बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको हम कहते हैं क्रेडिट फैसिलिटी, यानी कि उधार. ठीक है, जब भी किसी भी चीज का आपको विकास करना होता है, जब भी कोई नई चीज स्टार्ट करनी है, तो आपको सबसे जरूरी होता है लोन लेना या फिर क्रेडिट एक्साइज करना. अब देखो सिंपल सी बात है, क्योंकि पहले एग्रीकल्चर सेक्टर या हम बोले फार्मिंग के अंदर डेवलपमेंट कम था, लोग उसके बारे में कम जानते थे, ट्रेडिशनल तरीके से इस्तेमाल करते थे, कोई ट्रैक्टर नहीं लगा रहा, कोई फर्टिलाइजर नहीं ला रहा, खाद नेचुरल खाद का इस्तेमाल कर रहे थे, तो कॉस्टिंग बड़ी कम आती थी. तो फार्मर क्या होता था, उस कॉस्टिंग के अंदर अपना काम खत्म कर लेता था. पर जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ी, अब फार्मिंग करने के लिए आप लोगों को ट्रैक्टर की आवश्यकता पड़ती है, आप लोगों को फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स की आवश्यकता पड़ती है. तो अब क्या हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ही क्रेडिट फैसिलिटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आ गया. यानी कि अब आपको क्रेडिट फैसिलिटी, उधार लेना जरूरी हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर में. जैसे अपना बिजनेस सेक्टर में है ना, कि अगर आपको धंधा करना है तो दूसरे के पैसे से करना है. ये लॉजिक आप सब जानते होंगे, जो भी बिजनेसमैन है वो सब जानते होंगे कि धंधा खुद के पैसे से नहीं होता, कि खुद के पैसे के साथ आलस आता है. दूसरों के पैसे से धंधा करोगे तो इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा, साथ साथ रिटर्न कमाने की भी इच्छा रहेगी. उसी तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी विदाउट लोन आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है और साथ साथ फार्मर इतना ज्यादा अमाउंट नहीं लेके आ सकता. तो इसीलिए एग्रीकल्चर क्रेडिट का जो महत्व है वो आज के टाइम में बड़ा बढ़ गया है. ठीक है, आप समझना, वॉट इज एग्रीकल्चर क्रेडिट, क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज. आज के टाइम पे द प्रेजेंट इकोनॉमी एग्रीकल्चर क्रेडिट क्या है, हमारी लाइफ लाइन है. हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड काम करता है वही काम एग्रीकल्चर क्रेडिट कृषि के अंदर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर काम करता है. तो एग्रीकल्चर क्रेडिट यानी उधार दो तरीके से लिया जाता है. There are two sources for agriculture credit. The first one is non-institutional sources and the second one is institutional sources. पहला है non-institutional sources और दूसरा है institutional sources. अब पहले इसका मतलब समझो. When we talk about institutional, यानी कि वो लोग, वो institute जो कि इसी काम के लिए बना है, वो कहलाता है institutional sources. यहां पे मैंने पहले बात करी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, यानी कि कोई ऐसा लीगल टर्म नहीं है, कोई ऐसी लीगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि लोन लेने को या लोन देने को बैठी है. वो उनसे जब लोन लिया जाता है तो आप उसको नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के अंदर काउंट करते हैं, जो कि लीगली लोन देने के लिए नहीं बनी है. फॉर एग्जाम्पल जमींदार, साहूकार, ट्रेडर्स, रिलेटिव, रिश्तेदार, व्यापारी, साहूकार, जमींदार, ये लोग कौन है? ये लोन देने के लिए नहीं है, पर आप इनसे लोन ले रहे हो क्योंकि आपको इसकी आवश्यकता है. तो जब भी किसी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लोन लिया जाता है तो उसके बहुत सारे फायदे होते हैं और नुकसान होते हैं. अब एक बात बताओ, आप अपने रिश्तेदारों से लोन कब लोगे? जब आप बैंक से लोन नहीं ले पाओगे, सीधी सी बात है. तो यहां पे कुछ फायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी आ जाते हैं व्हेन इन टर्म्स ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हम बात करते हैं. तो देखो सीधी सी बात है, अगर मैं साहूकार से, जमींदार से, ट्रेडर से, रिलेटिव से लोन लूंगा तो क्या फायदे हैं? देखो बहुत बड़ा फायदा है, आसानी से लोन मिल जाएगा. दूसरा, हो सकता है सिक्योरिटी नहीं रखवानी पड़े. तीसरा, किसी भी समय लोन मिल जाएगा, क्विक लोन मिल जाएगा. ये तो फायदे हो गए. ठीक है, ये वो फायदे हैं जो कि शायद आपको बैंक में नहीं मिलते, क्योंकि अगर आप बैंक से लोन लेने जाओ तो पहले आपको फॉर्मेलिटीज बहुत देखनी पड़ती हैं, उसके बाद लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए कि आप कितना कमाते हो, क्या कमाते हो. तीसरा, बैंक अकाउंट होना चाहिए. चौथा, आपकी प्रॉपर्टी इतनी होनी चाहिए. पांचवा, आपको एक सिक्योरिटी रखानी पड़ेगी. तो इतनी सारी वजहों की वजह से, इतनी सारी चीजों की वजह से एक जो ग्रामीण होता है, एक जो गांव का व्यक्ति होता है जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो बैंक में जाके लोन लेना प्रेफर नहीं करता. वो क्या करता है, अच्छे से आराम से एक बार में लोन आ जाए तो वो इन लोगों के पास चला जाता है. तो उसको ये सारे फायदे मिल गए, पर वो ये नहीं देखता कि इन फायदों के साथ साथ बहुत सारे नुकसान भी आते हैं. वो नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान आपका जो होता है वो है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया, बहुत भारी ब्याज आपको देना पड़ता है. लोग कहते हैं दो पैसे सैकड़ा, दो पैसे का ब्याज,
अब बोले यार दो पैसे का ब्याज बड़ी अच्छी बात है, पर वो दिक्कत ये आती है कि वो आपको दो पैसा महीने का ब्याज लगा रहा है, यानी कि अगर आपने 100 रुपए लिए हैं तो एक रुपए लिए हैं तो आपको 2 पैसे देने पड़ेंगे, तो दो पैसे 1 रुपए का, यानी 2 रुपए सैकड़ा, ठीक है। तो अगर आपने 1 रुपए का लोन लिया है तो 2 पैसे आपको महीने का ब्याज देना पड़ेगा। इट कंप्राइज अबाउट 2% पर मंथ, यानी ईयरली बेसिस पे 24% का ब्याज हो गया। 2.5 साल अगर आपने पैसा नहीं चुकाया तो पैसा डबल हो जाएगा आपका, 5 साल नहीं चुकाया तो और डबल हो जाएगा। तो ये क्या है, ये बहुत बड़ा ब्याज है। बैंक जो आपको लोन देती है वो 8% सालाना देती है, और ये लोग जो आपको लोन देते हैं 2%, 5%, 10% तक, एक्चुअल में बात कर रहा हूं, मेरे सामने की बात है, 10% तक महीने का ब्याज पे आपको पैसा उठाया जाता है जब आप बैंक के पास नहीं जाते हो तो। यानी कि 10% पता है कितना होता है, 10% 5 रुपए इंटू 100, 5 पे 100, 100 पे 5 कितना हो गया, यानी कि 20 महीने, 5 और 20 महीने के अंदर आपका ब्याज डबल हो जाएगा। 2 साल अगर आपने ब्याज नहीं चुकाया तो दुगना पैसा आपको देना पड़ जाएगा। ये बहुत बड़ा ब्याज है, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है, काफी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो सेकंड, कभी कभी या मेजोरिटी अपन टाइम्स मांगे जब भी एग्रीकल्चर सेक्टर की बात आती है तो फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है। अब व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सप्लॉयटेशन, तो वो एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है कि सामने वाला जाऊकार या जमींदार कह देगा मैं तेरे को दे देता हूं, चिंता मत कर, मेरा ही बेटा है, तू दे ले यार, तू ब्याज तू भी क्या याद रखेगा, दुनिया को 10 पैसे पे देखता हूं तेरे को 9 पैसे भी दे देता हूं। अब वो कुछ भाई 1 पैसे का फायदा, 1% का फायदा हो गया, वो 1 पैसा मतलब 1% हो गया यहां पे, तो 1% का फायदा। पर वो कहता है एक काम करियो, चल ब्याज भी मत दे, तेरी जो फसल आएंगी ना वो सब मुझे बेच दियो और ब्याज मत दियो। वो क्या हुआ, नुकसान हो गया, वहीं उसका नुकसान हो गया, तो उसका एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। तो इतने सारे एक्सप्लॉयटेशन यानी इतने सारी प्रॉब्लम्स के बाद सरकार लेके आई इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि अथॉरिटी है जिनकी कि वो लोन प्रोवाइड कराए, ठीक है, यानी कि दे आर लीगली फॉर्म टू प्रोवाइड लोन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। वो लीगली बनी ही इसलिए है ताकि वो एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन प्रोवाइड करा सके। तो भाई कौन कौन सी है, पहली कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। कोऑपरेटिव मींस अपने आप, यानी कि लोगों के द्वारा ऑपरेट की गई कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। ये ऐसी सोसाइटीज होती हैं जो कि उधार देने का काम करती है, और साथ साथ ये फार्मर्स को गाइडलाइंस भी प्रोवाइड कराती हैं किस तरीके से आप अपने व्यापार को और अच्छा कर सकते हैं या अपनी कृषि को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। सेकंड आता है आपका कमर्शियल बैंक। सो गाइस, कमर्शियल बैंक में आपको समझाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैक्रो के अंदर अपन ने कमर्शियल बैंक का टॉपिक ऑलरेडी पूरा कर लिया है। ये वो बैंक्स होते हैं जो कि आप अपने देश अपने आसपास देखते हैं, आरबीआई को छोड़ के जनरली सारे बैंक्स, बहुत सारे बैंक्स आपके कमर्शियल बैंक्स हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, जितने भी हैं, जितने भी आप लीगली जिसमें आपके खाते हैं वो मेजॉरिटी क्या है, कमर्शियल बैंक्स है जो कि पैसा जमा करते हैं और बदले में आपको लोन देते हैं, ठीक है। थर्ड आता है आपका रीजनल रूरल बैंक। अब देखो नाम बताता है आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। रीजनल मतलब लोकल लेवल पे गांव के लिए बनाया गया बैंक, लोकल लेवल, रीजनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाया जाता है ये बैंक, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये बैंक प्रोवाइड किया जाता है जो कि गांव के लिए या रूरल डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड कराता है। फोर्थ आता है आपका नाबार्ड। तो गाइस नाबार्ड का जो कॉन्सेप्ट है इसको लिख लेना, अगर कॉपी लेके बैठे हो तो अभी उसको टिक मार्क कर लेना। नाबार्ड का मतलब होता है नेशनल, ना एनए मतलब नेशनल, बी मतलब बैंक, फॉर ए फॉर एग्रीकल्चर, आर फॉर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जैसा हमने पढ़ा है आरबीआई के लिए कि कमर्शियल बैंक के लिए भगवान कौन है, आरबीआई, भगवान मतलब उनका एपेक्स बैंक कौन है, आरबीआई, उसी तरीके से लिए जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन प्रोवाइड कराने वाले बैंक्स हैं उन सबके लिए एपेक्स यानी हेड बैंक है आपका नाबार्ड, जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1982 के अंदर। इसका मेन काम होता है कि रूरल डेवलपमेंट को देखे, साथ साथ उनके रिलेटेड जितने भी प्लान्स, पॉलिसी, फ्रेमवर्क तैयार करने हैं वो सारे काम ये बैंक बनाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसको टिक मार्क कर लेना, ये अपन शायद पहले भी पढ़ चुके हैं और हो सकता है आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट आता है आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप। सो गाइस व्हाट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप शायद आप 8वीं 9वीं 10वीं तीनों साल के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, शायद 11th में ही पढ़ा था। मैं एक और भी दे देता हूं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप होता क्या है। तो देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं की मदद करने वाला ग्रुप, तो एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके अंदर अपने ही लोगों की मदद करी जाती है। वो मदद कैसे करी जाती है समझना, मान लीजिए कि आप कमाते हैं 30,000 रुपए, अब आप हर महीने मुश्किल से 1,000 रुपए या 2,000 रुपए बचा पाते हैं, ठीक है। अब आप ये सोचते हैं यार 1,000 रुपए मैंने बचा के अगर कहीं डाल भी दिए तो एक साल में मैं कितने बचा पाऊंगा, 12,000 रुपए,
दो साल में कितने बचा पाऊंगा? 24,000 रुपए। 10 साल में 1,25,000 रुपए हो पाएंगे बस, ठीक है? 10 साल के अंदर से 1,25,000 रुपए हो पाएंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, ऐसे ही कुछ लोग मिलकर एक ग्रुप क्रिएट करते हैं, 10 या 20 या 25 लोगों का। उस ग्रुप के अंदर हर व्यक्ति जो कि ऐसा सोचता है वो अपनी तरफ से 1 या 2,000 रुपए महीने के जमा कराता है, ठीक है? मान लेते हैं 20 लोगों का ग्रुप है, तो सब मिलकर 1,000 रुपए महीना जमा करा रहे हैं, तो सबने इकट्ठे महीने के एंड में 1,000 रुपए जमा कराए, तो पर मंथ उस ग्रुप की अर्निंग हो गई 20,000 रुपए, ठीक है? वो आपने बैंक में जमा कराया, उस पर ब्याज भी मिल रहा है। एक साल के अंदर उस ग्रुप की अर्निंग कितनी हो गई? 2,40,000 रुपए। जो 10 साल में कमा पा रहे थे वो 1 साल में उससे ज्यादा कमा लिया। अब ये ग्रुप क्या करता है, जैसे मैं एक ग्रुप का मेंबर हूं, मुझे कुछ काम करना है, मुझे उसके लिए पैसे की आवश्यकता है, अगर मैं बैंक के पास जाऊंगा तो वो मुझे 8% पे लोन देगी, तो ये लोग क्या करते हैं, मैं अपने ग्रुप के पास गया कि भाई मुझे ऐसे ऐसी जरूरत है, अगर उनको लगता है कि मुझे एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है तो वो लोग उस पैसे का कुछ हिस्सा मुझे प्रोवाइड करा देते हैं, 1,00,000 या 1.5 लाख या 2 लाख रुपए वो मुझे प्रोवाइड करा देते हैं एट अ मिनिमम कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि 2%, 3% या 4% के इंटरेस्ट पे आपको पैसा प्रोवाइड करा दिया जाता है। इससे क्या हुआ, आप ही सबका पैसा आप ही में से किसी एक के काम आ जाएगा, वो भी बहुत कम ब्याज पे। इससे ग्रुप को भी फायदा हुआ, साथ साथ लोगों को भी फायदा हुआ, और तीसरी चीज, गवर्नमेंट भी इन सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक लीगल स्टेटस प्रोवाइड कराती है। जैसा अपन ने पढ़ा कि इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट है, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप इसमें क्यों आया, क्योंकि गवर्नमेंट भी इसको एक लीगल स्टेटस प्रोवाइड कराती है, ठीक है? सो गाइस, ये था आपका रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर क्रेडिट और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, ठीक है? इसके बाद की वीडियो, अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे इसके बाद का टॉपिक। इस वीडियो को एंड करने से पहले 2-3 चीजें आपको बतानी है, सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल एंड तक देखना, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, ये मेरी 2 पुस्तकें हैं, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 के लिए, हमारे 2 छोटा पैकेट बड़ा जमा का, यानी कि ये 2 छोटी बुक पढ़कर आप क्लास 12 में पूरे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है? एट लास्ट गाइस, अगर आपने अब तक हमारा कम्यून कॉमर्स कम्युनिटी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अभी उसको डाउनलोड करो और सारे डाउट्स को क्लियर करो। एंड गाइस, एट लास्ट थोड़ी सी यार आज की वीडियो के लिए सॉरी, क्योंकि मैं आज की वीडियो काफी सीरियसली बनाई है, ठीक है? सो उसका रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि यार मैंने आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया है, तो उस प्लेटफॉर्म की ऑथेंटिसिटी पर थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है? ये बात नहीं है कि यार क्या है क्या नहीं है, उसके अंदर एक टर्म्स एंड कंडीशन हमने ये भी डाली थी कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी तरह का गलत कंटेंट फैलाने का प्रयास करता है तो उस पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है? मैं नहीं लूंगा अभी फिलहाल, क्योंकि आप सब बच्चे हो यार, मुझे पता है आप शायद 12th में हो या 11th में हो, तो होता है कभी कभी, बट द थिंग इज दैट मैं नहीं चाहूंगा कि आज के बाद इस कम्युनिटी के ऊपर कोई भी ऐसा सवाल या कोई भी ऐसा गलत कमेंट आप पास करें जो कि किसी एक व्यक्ति या 2 व्यक्तियों या 4 व्यक्तियों या पूरी कम्युनिटी को बुरा लगे, ठीक है? सो भाई, जिस बंदे ने करा था उसको मैं डायरेक्ट पंच आउट नहीं कर रहा हूं, बट ध्यान रखें अगली बार से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, और अगर होता है तो आपके ऊपर मैं मजबूर हो जाऊंगा, मुझे लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। एट लास्ट सॉरी फॉर दिस वीडियो की काफी थोड़ा सीरियस मोड में बनानी पड़ी। सो गाइस, कल आपसे फिर मिलेंगे, और रिस्पांस कैसा रहता है आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करूंगा मैं। एंड टिल देन कीप ऑन वाचिंग इकोनॉमिक्स एंड टिप्स। पूरा कोर्स कंप्लीट कराना है, काफी सारी चीजें आप लोगों के लिए लेकर और आनी है, तो थोड़ा सा मेरे को टेंशन भी नहीं दिया करो, ठीक है? सो गाइस, दिस इज इट फॉर टुडेस वीडियो। कीप ऑन वाचिंग इकोनॉमिक्स एंड टिप्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।